हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईआईटी जेईई केमिस्ट्री एडवांस्ड। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशंस एंड एनालिसिस ऑफ पेपर 2 जेईई एडवांस्ड 2022। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों ही पोर्शंस पेपर 1 के लिए कम्प्लीटली डिस्कस किया। आपको अपने व्यूज़ भी बताए पेपर पे, और वहाँ भी हमने स्टार्ट ऑर्गेनिक से की थी, फॉलोड बाय फिजिकल, देन हमारा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। अभी भी वही करेंगे, पहले ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के बारे में बता दूं, पेपर 1 में जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बोला था कि यार ये तीन ऑप्शंस को देखते हुए हमने आंसर बोल दिया था ए, लेकिन 1 का पी जो था उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ जुगाड़ से बोल दिया था कि हाँ यार देख लो, ऐसे जुगाड़ से आप कर सकते हो, बट उसका जो रियल जस्टिफिकेशन है वो समझ में आ गया है, वो पता चल गया है क्या है, ऑल्दो एग्जाम में करने लायक नहीं था। देखो उस दिन मैंने किया तो पहले दिन मुझे भी नहीं दिखा है ना, तो एग्जाम में वो करने लायक नहीं था, क्योंकि उतना सोच ही नहीं सकता था मैं कि इतना मैथमेटिकल आपको केमिस्ट्री के पेपर में कोई चीज़ें दे सकते हैं। क्या था, आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसका अगर मैं, इसका मैच इसके साथ आ रहा था ना ऑप्शंस में, इसका मैच इसके साथ आ रहा था, लेकिन ये कहीं से बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इस आर वाले ग्राफ को थोड़ा सा जस्टिफाई किया था, फिर इसका एक टुकड़ा लेके मैंने बोल दिया चलो ऐसा मान लो, बट वो कोई अच्छा जस्टिफिकेशन तो था नहीं, ये बात हमने कही भी थी, बट इसका एक्चुअल जस्टिफिकेशन मैथमेटिकली आ रहा है, मैथमेटिकली इसका जस्टिफिकेशन आ रहा है। अगर आप इस को रेट को माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखते हो इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एक्सेस प्लस एक्स, इस तरह से एक्सेस तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, अगर आप इसको ऐसा लिखते हो और इसके बाद आप इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे और उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाने के बाद उसका हाफ लाइफ निकालोगे, तो टी हाफ का जो एक्स के साथ इक्वेशन बनेगा ना, वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ आएगा, विथ सी बीइंग नॉन जीरो। अब ये मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे ने एग्जाम में इसको करके वेरीफाई किया भी होगा, अगर किसी ने किया है तो ठीक है, बहुत टाइम था उसके पास। बस यही बात है, तो आपका फर्स्ट का जो है मैच आप पी के साथ वेल जस्टिफाइड है, और क्वेश्चन को हम गलत नहीं बोल सकते, अच्छा क्वेश्चन था। उस समय मेरे को लगा था कि क्वेश्चन गलत है, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बट मैं गलत था, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के साथ। बट अगेन यार, इतना मैथमेटिकल एक बार में ना नहीं ध्यान में आता कि यार इतना मैथमेटिकली जाया जा सकता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा था, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। सो अब हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा मैंने कहा बहुत प्लेन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थी पेपर 1 की, पेपर 2 को भी देख के कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया नॉर्मल सा बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन करोगे इधर वाला पोर्शन ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन गिन लेना ठीक से, 1 2 3 4, चार कार्बन, इधर आपको ट्रांस एल्कीन बनता हुआ मिलेगा बहुत इजीली, ऐसा 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 ऐसा, ये ट्रांस एल्कीन बनता हुआ मिला, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन सही से काउंट करना, ट्रांस एल्कीन बन गया। अब क्या करना है, ब्रोमीन एक्सेस में डाल देना है, डाल दो ब्रोमीन एक्सेस में डाल देना है। अब देखो एक बार में ना देख के ये लगता है इस क्वेश्चन को, मुझे भी एक बार में देख कर ये लगा कि कहीं ये वो E2 एल्यूमिनेशन की जो एंटी पेरिप्लेनैरिटी वाला कंसेप्ट है ना, कहीं वो ना यूज हो जाए। बट जब यहाँ पे ये पढ़ा मैंने कि आइसोमेरिक टेट्राइंस की बात हो रही है, तो फिर समझ आया कि नहीं यार वो वेज डैश देखने की कोई जरूरत नहीं, अपने को टेट्राइन बनाना है, और टेट्राइन तभी बनेगा जब आप इस हाइड्रोजन को टारगेट करोगे HBr, और फिर यहां से भी आप HBr, मान लो सब एंटी पेरिप्लेनर ही है, संभव तो है ना, होना बिल्कुल है, यहां से भी HBr और यहां से भी HBr, ये ऐसा क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स नहीं बनाना है, बोल दिया है कि sp हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए,
तो जब हमने ऐसा किया तो क्या बन रहा है, यहीं से मैं हटाऊं, एक डबल बॉन्ड यहां बना, ये देखो एक डबल यहां बना, एक डबल यहां भी बना, तो दो डबल बॉन्ड्स तो इधर बना देते हैं, एक डबल यहां, एक डबल यहां, फिर यहां से एच बी आर हटा है तो एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड आपका इस किनारे, ये देखिए एक डबल बॉन्ड यहां, एक इधर। अब ये बोल रहा है कि कितने आइसोमेरिक टेट्राइन बनेंगे, देखो स्ट्रक्चरली तो यही बनेगा, और अगर आप इस वाले डबल बॉन्ड को देखो तो इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ग्रुप्स अलग अलग हैं, आप सिस ट्रांस इसके अराउंड बना सकते हो, इसके अराउंड नहीं बना सकते, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं इधर, और ये तो रिंग के डबल बॉन्ड्स हैं, तो पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में कि उसका आप ट्रांसवर्जन बना पाओ, वो सिस में ही रहेंगे, छोटे रिंग्स हैं। सो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ये और एक इसके अराउंड ट्रांस, तो टू विल बी द आंसर। कैसा रेट करोगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी रेट करोगे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये था अगला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, एंड दिस वॉज प्लेन एनसीईआरटी बेस्ड। प्लेन एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन रिएक्शंस। देखो ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव है, आपने ये हटाया, ये हटा के कितने, एक दो तीन चार कार्बन सही से गिनना है बस, ये चार कार्बन की एल्डिहाइड बनाई, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तीन कार्बन डाइमराइज होके, अब मैं इसको क्या बताऊँ, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एन हेक्सेन बना, और हाँ जब एन हेक्सेन बनता है ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, और ये जो है ये भी रिएक्शन प्योर एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में आपको मिलेगा, जहाँ पे आप क्रोमियम ऑक्साइड्स के साथ हाई टेम्परेचर पे अगर एन हेक्सेन को ट्रीट करते हो तो यू एंड अप गेटिंग एरोमेटिक बेंजीन रिंग, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और यू गेट बेंजीन रिंग आउट देयर, तो आपको बेंजीन रिंग बन के मिल जाती है, समथिंग लाइक दिस, तो ये बेंजीन बन जाता है। तो इसमें कितने मिथिलिन ग्रुप्स हैं, कहाँ मिथिलिन ग्रुप्स हैं, कोई मिथिलिन ग्रुप नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 0। कैसा रेट करोगे इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर समझ आ रहा होगा, हर बच्चों ने इसमें आराम से मार्क्स उठाया होगा, बिल्कुल ये मार्क्स देने के लिए आए थे आपको, 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। चलो ये चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इस बड़े से मॉलिक्यूल की ओजोनोलिसिस कराई गई है, देखो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पिछले क्वेश्चन में भी ओजोनोलिसिस से स्टार्ट हुआ, इस क्वेश्चन में भी ओजोनोलिसिस कराई गई, ऐसा रेयर देखने को मिलता है एडवांस के पेपर में, बट स्टिल जेई एडवांस 2022 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, सबकी ओजोनोलिसिस करनी है, आप ओजोनोलिसिस करो और ये काटा आपने, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, अब आप देख लो, आपको पता है ओजोनोलिसिस कैसे होता है, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ओजोनोलिसिस में, आप नॉर्मली काट के एल्डिहाइड कीटोन बना लोगे। अब आप गौर करो इस वाले यूनिट में, तो ये वाला यूनिट का ये जो कार्बन है ये काइरल आ रहा होगा, मॉलिक्यूल भी बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये 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 एल्डिहाइडिक ग्रुप इधर है और यहाँ पे तुम्हारा OH ऐसा और मिथाइल ऐसा, और अब देखो ये तो COCH3 हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये काइरल रहेगा नहीं, यहाँ पे देखो तो हाँ, यहाँ पे देखो तो दिस इज अगेन सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड ये ऐसा, ये ऐसा, ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ओ एच, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से मिथाइल, और ये अगेन आपका अकाइरल मॉलिक्यूल है इधर से जो निकलेगा। तो अगर आप इन दोनों को देखो, सो दे आर लुकिंग लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड यस ये दोनों एक दूसरे के आप बोल सकते हो इनैंशियोमर्स आपको मिल रहे हैं। सो हाउ मेनी काइरल मॉलिक्यूल्स वी आर गेटिंग, यस वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नॉट सेम। आपको हो सकता है एग्जाम में कन्फ्यूजन ये आ जाए कि ये दोनों सेम है, तो सेम है तो कुछ बच्चे इसमें 1 मार्क कर सकते हैं आंसर, बस यही एक गलती का स्कोप है छोटा सा, ऑल दो वो भी नहीं होता है, तो आंसर शुड बी 2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। सो दीज वर सम ऑफ द सिंगल सॉरी नॉट सिंगल करेक्ट न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।